650 मार्क्स, ये वो स्कोर है जिसका टारगेट हर एक नीट एस्पिरेंट लेके चलता है, क्योंकि जब आपके 650 मार्क्स आते हैं आपका सिलेक्शन तो पक्का होता ही है, साथ ही साथ एक टॉप मेडिकल कॉलेज भी कंफर्म होता है। इसलिए बचे हुए दो महीने में बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस सपने से कोसों दूर है, बट वो डेस्परेटली चाहते हैं इस टारगेट को अचीव करना। मैं जानता हूं बच्चों, दो महीने में आपके इमोशंस और आपके एंजाइटी के साथ बहुत खेला जाता है और आपको बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज माय मोस्ट ऑनेस्ट वीडियो। इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, कोई हवा हवाई बातें नहीं है, कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स। जो रोड मैप मैं आपको देने जा रहा हूँ ये सबसे सिंपल, क्रिस्प और इफेक्टिव तरीका है अपने मार्क्स को बढ़ा देने का। पहले बता रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट इस स्ट्रेटेजी वीडियो से 650 मार्क्स नहीं लेके आएगा, ये गारंटी नहीं है, बट इस चीज की गारंटी जरूर है कि अगर आपने मेरे टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर आ जाएगा। हो सकता है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल 600 मार्क्स का है, हो सकता है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल 700 मार्क्स का है, ये गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आपका मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर आके रहेगा। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की आप क्या है, चाहे नोट्स पढ़ते हो, चाहे लेक्चर्स देखते हो, चाहे वन शॉट देखते हो, चाहे अपने टीचर्स ऑफलाइन पढ़ते हो, व्हाटएवर, मेक श्योर कि एक बार एनसीईआरटी किताब खोल के देखो, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में गिवन है, जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में गिवन है, जो फॉर्मूले एनसीईआरटी में गिवन है, उनको रटना चालू कर दो। बहुत बार क्या होता है, टीचर्स एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जेई सेक्टर के पढ़ाने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, फायदा नहीं है। देखो एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक्स गिवन है, उनको क्रिस्टल क्लियर रखो अपने दिमाग में। दूसरा है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को लगाने, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं। इतने यूट्यूब वीडियोस बन चुके हैं जिन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि यहीं से क्वेश्चंस मेजॉरिटी उठ के आते हैं, नहीं टाइम है कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट इसके सॉल्यूशंस पढ़ लो, सॉल्यूशंस पढ़ के खुद समझ जाओ कि हाँ जो मैंने सोचा था, जो कॉन्सेप्ट मैंने दिमाग लगाया था वो सही लगा कि नहीं लगाया था, ऊपर से फॉर्मूला लगा के देख लो। लास्ट है पीवाईक्यू। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें जितना पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकता था उस चैप्टर में, उस सारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो अगर ऐसे पीवाईक्यूज कर लिए तो गारंटी है 2023 का जो सवाल आने वाला है वो पीवाईक्यू में ही किसी कॉन्सेप्ट से बन के आने वाला है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, पीवाईक्यूज को कर लोगे, कॉन्फिडेंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी डबल हो जाएगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। जो चैप्टर्स आपको आते हैं सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करिए, लाइन बाय लाइन आराम आराम से हर एक लाइन को पढ़िए, और जब एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं तब इंडेक्स क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करते रहिए। डायरेक्ट नीट में सवाल आते हैं इंडेक्स क्वेश्चन से, जब आप इधर रीडिंग मार ली उसके बाद एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक को सॉल्व करिए। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि एमटीजी की एक बुक आती है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, उसकी केमिस्ट्री वाली बुक आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, कोई प्रमोशन नहीं है, ये ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपलर आती है, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट एसर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग सब टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लीजिए। सवाल ही नहीं है कि इसके अलावा कुछ नीट में पूछा जा सकता है, ऑल द 45 क्वेश्चंस ऑफ योर नीट केमिस्ट्री विल बी फ्रॉम दीस 4 पॉइंट्स, इसके अलावा बाहर कुछ नहीं जा सकता, 180 में तो 180 मार्क कंटेंट इतने में भरा हुआ है। अगर आपने ये सारा कर लिया कोई रोक नहीं सकता आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करने से, सिर्फ इस पे फोकस करो और आप नीट केमिस्ट्री में फोर के रख दोगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। इसमें भी जो चैप्टर्स आपको आते हैं अच्छे से उनके एनसीईआरटी रीडिंग मारना स्टार्ट करिए, अच्छे से रीडिंग मारिए, बट स्टूडेंट्स को लगता है कि सारा कुछ तो एनसीईआरटी से ही आता है, तो क्यों ना एनसीईआरटी के चैप्टर को रीड मारते रहते हैं। अरे भाई एक चैप्टर को 10 बार रीड मार लोगे उससे मार्क्स नहीं बढ़ेगा, उस चैप्टर को 5 बार ही रीड मारो और उसके बाद उसके 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यहां से मार्क्स आएंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये लगता है मैं एनसीईआरटी रीडिंग बहुत मारूंगी मार्क्स बहुत आ जाएंगे, जबकि सीक्रेट यहां पर है, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करिए। एनसीईआरटी रीडिंग कम भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, बट अगर इसमें कमी दिखाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, सारे ऑप्शंस मेस्ड अप हो जाएंगे, सब मिक्सअप हो जाएंगे और आप कभी मार्क्स लेके नहीं आ पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक एनसीईआरटी कोई भी एक अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड बुक आप लगा सकते हो। हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी एनसीईआरटी बायोलॉजी बूस्टर आती है एसएन सारी सर की, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, आकाश के एक बहुत बड़े टीचर है, उन्होंने ये बुक बनाई है, ठीक है। अगर आपको इस बुक के बारे में नहीं पता है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगेन ये प्रमोशंस नहीं है, ये ऑनेस्ट रिकमेंडेशन है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इन बुक को सॉल्व किया है और जिनके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए इन नीट। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करने, अगर आपने इन दो मटेरियल्स को 2 से 3 बार मिनिमम सॉल्व कर डाला आपके मार्क्स कहीं रुकने वाले हैं। इसको हटा के आप अपनी बायोलॉजी की कोई बुक जो आपको पसंद है जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो कर सकते हो, वरना मैं लिंक दे दूंगा इस बुक के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बच्चों दो महीने में मॉक टेस्ट से भागना नहीं है, हर मॉक टेस्ट से आपको एक नई लर्निंग मिलेगी। टाइम बेस्ड स्टडी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मैं 3-3.5 घंटे में पूरा मॉक टेस्ट दूं, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए, सिर्फ एक फिजिक्स का सेशन उठा लीजिए। कितनी सारी बुक्स आती हैं, कितने सारे मटेरियल्स हैं जिसमें मॉक टेस्ट गिवन होते हैं, आपसे फिजिक्स का सेक्शन, आपसे केमिस्ट्री का सेक्शन, आपसे बायो का सेक्शन उठाइए, 1 घंटे का टाइमर लगाइए, 1 घंटे के टाइम में सिर्फ एक सेक्शन सॉल्व कर लीजिए। बट डेली बेसिस पे एक टाइम बेस्ड स्टडी, घड़ी लगा के स्टडी करने की आदत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनी एलीट एस्पिरेंट्स जो एक्चुअली उनके पास आईक्यू होता है, दिमाग होता है, वो टाइम बेस्ड स्टडी ना करने की वजह से अपने नीट में बिल्कुल सब कबाड़ा करके आ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट दीजिए, उस मॉक टेस्ट से जो लर्निंग्स मिली लर्निंग्स लिखिए, और मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है तो पार्शियल मॉक टेस्ट दीजिए, किसी एक सेक्शन का मॉक टेस्ट दे दीजिए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, बहुत क्रूशियल है आपके 2 महीने। That's it for the video. कोशिश करी गई है कि इस वीडियो को बिल्कुल ऑनेस्ट रखा जाए और सिर्फ रियलिस्टिक टॉक रखी जाए आपके सामने, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आनी है। थैंक यू।